ये तो ये सारे स्टार्स ये हाथ से बनाते हैं। आठ महीने लगते हैं। देखा है यूट्यूब पे सारी वर्ल्ड में अलग है। उठ के मैं ना बोलूं, सबसे पहले रशी उठता है। मैं रशी और पापा हमेशा अरे यार हेलो थक गया था रात को बहुत खेला तूने। पीहू उठो चलो उठो 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 पीहूड़ी। हेलो पीहू, पापा भी बैठे हैं यहाँ पे, पापा को भी राधे राधे कर दो। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के और राम राम कौन करेगा? नहीं पीहू ने भी ब्लैक, मम्मा ने भी ब्लैक, वाह। ला लिए पीहू लास्ट लास्ट। चलो भाई मेरा हो गया जिम। बालक हमारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लाया तो घर के कपड़ों में घुस गए। चुटकी को देखो, ये तो जैसी छोटा बच्चा बन जाता है। चलो आ जाओ, नाश्ता रेडी है, पूरा नाश्ता पापा ने बनाया। ब्रेकफास्ट में पापा रेडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मा रेडी खाना। गिरेगा 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 भैया। वो पापा का ब्रेकफास्ट टेस्टी है? नहीं हमारे पास एक फ्री डे है और दुबई में फ्री डे में आप एक ही काम कर सकते हैं, मॉल में जाके टाइम पास। और टाइम पास होता नहीं, कुछ ना कुछ शॉपिंग हो ही जाती है। सो वी आर हियर टुडे टाइम पास कर रहे हैं। ये हमारे टिंगलू पिंगलू घर से निकलते गोदी झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, अगर कहीं भी खो जाए तो लाल परी जहाँ खड़ी वहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्क है, इसको खरीदनी नहीं है। ये बड़ी एक्सपेंसिव चॉकलेट्स हैं। ये कहती है सिर्फ जाएंगे एक बंदा टेस्ट करा देगा, एक आध वही खा के आ जाएंगे। ऐसे चिंदी चिंदी लोग जिंदगी हो तो ऐसी हो जिंदा तो जहाँ तू को बालमन का एक बैग पसंद आ गया मेरे लिए, मुझे दिला के रहेगी। मतलब लड़कों के तो इतने बड़े बड़े ही आते हैं। बच्चा है नहीं, ये तो वो बप्पी ले रही है। गोल्डन म्यूजिक डायरेक्टर आप इनको कह सकते हैं। मैंने पहना है बालमेन, मैंने बालमेन पहना है। कितने बड़े ले लो, लोग आजकल पहने। मैंने कहा फीस का तो छुपी अपना नीचे। यूटिलिटी वाइज तो अच्छा, लैपटॉप छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। कौन पटाखा है? तो फाइनली हमने ये ले लिया, हमने बड़ा वाला बैग लिया, छोटा वाला नहीं लिया क्योंकि छोटे वाले में फिर सामान कम आता है, कभी कभी ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा सामान आता है। सो हमने इसी साइज का लिया, बट इसमें बहुत ब्लिंगी था, मैंने ब्लिंगी नहीं लिया। तो मेरे को रितु ने लिया, आपने लेके दिया मुझे पता आपको, क्योंकि इसने लेके दिया क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा हो चुका है जीरो, जब से मैंने फार्म में सारा इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने इससे 15 लाख रुपए लोन लिए थे। तो एक्चुअली पे अपने कार्ड से किया है, लेकिन ये है रितु का। थैंक यू रितु, बट द गिफ्ट मेरा। अब वो वापस नहीं आएंगे 15 लाख, आपको मेरे ही हो गया वो। ट्रायल में मैं तो पता नहीं कि मुझे सुसु बहुत ध्यान कर लेगा, तो मुझसे फिर ट्रायल होता ही नहीं है। मैं आई गेट वेरी इंपेशेंट, मैं डांस करना पड़ेगा, आई हैव टू होल्ड इट। इस लड़की को घर पे जिम नहीं करना, अब इसको जिम का शौक आ गया, इसको सारे जिम के सामान चाहिए। नहीं 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 मैं उनका थकान, क्योंकि हमने कर लिया एक जगह शॉपिंग और सोचने का सामान लेके आए और शॉपिंग में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए कुछ खा पी लेते हैं। आज इसका मूड ऑफ है पता नहीं क्यों। क्यों प्रभु, सुबह हमने कहा पीयू हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ पे आए थे, कल हम कहाँ गए थे पीयू? वृंदावन। खूब टेस्टी लग रहा है, मेरे को तो मुंह में पानी आ गया अपना खाना देख के भाई। ठीक है पापा। अरे भाई अच्छी चाय है पीयू, अच्छी चाय है हमारी। हाँ अच्छी चाय है हमारी। अच्छी चाय तो बहुत है लेकिन आज तक बनी नहीं है ना? हाँ बनी नहीं है, बनी नहीं है। हाँ बहुत है, इसको पता नहीं मतलब मम्मा बनी नहीं है। खुद ही अपना नोच नोच के निशान कर लिया, देखो जरा कितना गंदा निशान हो गया है, पूरा खून निकला है बच्चे का, खून पूरा खून निकाल दिया खुद का। क्यों भैया मजे आते हैं क्या? तो फिर क्यों किया, दर्दी हो रही ऊपर से। मील इज एन अमेजिंग मील, लेकिन यहाँ पे एक सही चीज क्या है, छोटा सा स्कैनर दिया, तो इस स्कैनर से आप अपना मेन्यू ऑर्डर भी कर सकते हैं और बिल भी पे कर सकते हैं, मतलब सारा काम ये हमसे करा रहे हैं। तो ये बिल आपको किसी वेबसाइट पे लेके जाता है, वहाँ पे बिल पे करते कर दिया, आपको बैंक का फोन आ रहा है। समटाइम्स वेन दे सी कि आपने इस कभी सस्पिशियस है कुछ भी है दे कॉल यू। अब मैं उनको फोन नहीं उठा रहा हूँ, मेरे इनकमिंग लग जाएंगे रोमिंग पे, वो ना सोचे कार्ड चोरी हो गया।
क्या कर रहे थे समझ ही नहीं आया मेरे को। अरे मेरे हाथ में जब से उन्होंने बालमेन का बैग देखा तीन चार लोग आ गए, उनको लगा मोटी पार्टी है ये, फिर 2-3 सब्सक्राइबर आ गए, मेरे साथ फोटो खिंचा के देखेगा फिर समझे तो बड़ी मोटी पार्टी है। अरे 3 मिलियन दिरहम का सर हमारा फ्लैट ले लो, ये दो साल में 6 मिलियन का हो जाएगा। मैंने कहा ये भाई बीवी से उधार मांग के लिए है। आप कौन हो? पटाखा हो? पटाखा दीदी ने कितने प्यार से बैठा रखा गोदी में, देखो आपको। तो अभी हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं गोल्ड शो। वो देखो जहाज क्या, देखो कितने नीचे से गया जहाज, देखा वहाँ पे 384 नीचे से गया। तो लीजिए भैया अभी हम लोग आ चुके हैं ओल्ड दुबई में। तो ओल्ड दुबई अगर आप देखेंगे तो सुसु भी कर रहे लोग यहाँ पे। ओल्ड दुबई में कुछ ऐसा दिखता है, हाँ ये देखिए सामने कच्चे भी सुखा रहे हैं। तो ये मतलब ओल्ड मार्केट है, आप समझ लो जैसे दिल्ली में जो व्यापारियों की मार्केट है चांदनी चौक जैसे है, यहाँ पे वैसे व्यापारियों की मार्केट है। जो लाला जी बैठते मतलब गल्ले का सामान, जो गल्ले का काम होता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। खाने पीने का भी बहुत सही यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मलयाली लोग बहुत है, कैफेज बहुत सारे मलयाली लोगों के, स्पेशलिटी बहुत सारी है। तो ओल्ड गोल्ड सूख मसाले, लास्ट टाइम भी दुबई आए थे तो यहाँ पे आए थे हम लोग ना। ये ओल्ड दुबई है और कंजेस्टेड है लेकिन साफ सफाई भी रोड साफ है, सब कुछ साफ है, किसी ने बाहर अतिक्रमण नहीं किया, तो वो चीज़ है मतलब स्ट्रिक्टनेस है लोग फॉलो करते हैं। पुलिस का डंडा भी है। एक दिरहम की चाय है भाई। पापा कह रहे ना लास्ट टाइम कि यहाँ के शेख ने कहा था कि यहाँ पे चाय और बन महंगा नहीं होगा क्योंकि वर्कर बेचारे वही खाते हैं। एक दिरहम की चाय है भाई यहाँ पर, इतनी क्वांटिटी देखो इंडिया में 20 रुपए की छोटे से गुल्लड़ मिलती है। 5 बजे हमने पहुँच चुके गोल्ड सूट मार्केट और यहाँ पे परफ्यूम की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा हम लोग थोड़ा परफ्यूम लेने में डरते हैं, हम लोग एयरपोर्ट से ही लेते हैं, ट्राई करते हैं आज। वहाँ जाते हैं इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या करिए आप? दूध पियो। ये दूध है? पानी है? ऋतु को कुछ पसंद नहीं आ रहा भाई, हमारी वाट लगी सुबह से खड़े खड़े चल चल के भाई। अभी गोल्ड शॉप में है और हर गोल्ड की दुकान के अंदर ऐसी भीड़ जैसे मतलब एक तो आप रिटेल की शॉप में चले गए और एक होलसेल की शॉप में चले गए। हर गोल्ड और हर किसी भी गोल्ड की दुकान के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है क्योंकि मे बी डिज़ाइन दे वॉन्ट की कॉपी ना होते जो भी होता है। बहुत भयंकर भीड़ है भाई, टूट चुकी जनता सोने के पीछे। भीड़ चेक करो भाई, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मतलब मसाला पूड़ी या मसालों की मार्केट है, इतनी भीड़। ये टिंगे इसको सुबह से गोदी 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 गोदी। हेलो ब्रदर एक्सक्यूज मी, हमारी मम्मा अंदर शॉपिंग कर रही है और हम सारे बच्चे बाहर बैठे हुए यहाँ पे बोर हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बस बैठे हुए आज है मम्मा ने, ऐसा क्यों हो रहा हमारे साथ भाई? भाई ये देखें, देखो यार क्या गोल्ड लगा के रखा है, ये देखो मतलब थोक के वाह पेलम पेली देखो। ओ रशी खो जाओगे, जल्दी आओ। फाइनली हमारी मैडम को कुछ पसंद आया। क्या देखना है तुमको? क्या देखना है? काउ डांस देखना है। वैसे मेरा खर्चा कराने की सोच रही है, मुझे खुद ही नाचना पड़ेगा यहाँ पे। अभी तुम रुक जाओ, पापा खुद नाच के दिखाएंगे, काउ डांस रहने दो। मुझे लगता था सिर्फ ये बाहर बाहर ये इस साइड और इस साइड दुकान है भाई, ऊपर भी दुकान है पूरा, सिर्फ बाहर से दिख नहीं रहा, लेकिन सारा गोल्ड भाई, सारा गोल्ड। अभी तो गोल्ड का प्राइस बोलते हैं कि बराबर हो गया इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन जब पापा आए थे शुरू में 2004 में मेरे पापा यहाँ पे आए थे जब बैंक में थे और यहाँ पोस्टिंग मिली थी तो बहुत सस्ता था भाई, तो मतलब यहाँ दुबई में बहुत सस्ता था तब, अब बराबर हो गया। लिटरली 42 मिनट्स के बाद हमें यहाँ ऊबर मिली है और ये रशी रितु प्यू ये सुसु करने चले गए, वो ऊबर मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी नया ट्रेंड चालू हो गया, जैसे इंडिया में नहीं कि भैया हाँ कहाँ जाओगे नहीं जाएंगे, वो देखते पास की जर्नी जाते नहीं है, ये ट्रैफिक इतना पूरा भरा हुआ ट्रैफिक एरिया ही है। और यार ये लोग पता नहीं सुसु करने कहाँ चले गए, वो एक सब्सक्राइबर मेरे को मिला हुआ है उसने उससे मैंने वो लिया है वाईफाई हॉटस्पॉट, वो बेचारा हेल्प कर रहा है मेरी भाग भाग के, और वो टैक्सी को बोलने गया कि भैया रुक जाओ। मुस्तफा भाई आप ना होते तो हम आज घर ना पहुँच पाते। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, बहुत मदद की बंदे ने आज बहुत ज़्यादा। सो हम लोग वापस आ गए, हमारा प्लान था एक और जगह जाने का नट्स खरीदने, बट वो कल जाएंगे क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा हमारा क्योस हो गया था जहाँ पे हम लोग टैक्सी दे रहे थे। सो वी आर हेयर एंड वी थिंक वी विल ईट फ्रॉम हेयर ओनली, क्योंकि हमने बाहर खाना अवॉइड कर लिया क्योंकि हम थोड़ा हेल्दी खाएंगे आज। पिहुड़ी पिहू फिश देखेगा? फिश हाँ फिश दिखाता हूँ। ये किसका ले लिया है? किसका ये? मेरा। झूठी किसका रे तू ये? सुपर मार्केट में शॉपिंग कर रहे तभी मेरे को हनी भैया का फ़ोन आया कि वो डांस रिहर्सल के लिए जा रहे हैं, उनका जो शूट है जो कल प्लान्ड है उस शूट की जो लास्ट प्रैक्टिस होने वाली है, तो हम लोग फटाफट निकल गए उनकी प्रैक्टिस पे हिस्सा लेने। पीहू ऊपर देखो स्टार्स हैं, देखो मम्मा मैं सीधा पहन रही हूं। ये रितु ये सारे स्टार्स ये हाथ से बनाते हैं, 8 महीने लगते हैं एक गाड़ी में। वाह ये मैंने देखा है यूट्यूब पे, सारी वर्ल्ड में अलग है।
हाँ ये जो पैटर्न है ना भैया, ये सारा अलग हो, सबका अलग है पैटर्न, ये सबका अलग है। अगर इन्होंने 10,000 गाड़ियां बनाई होंगी आज तक, तो 10,000 की 10 गाड़ियों में कुछ ना कुछ अलग है। बहुत प्रीमियम लग रहा है ये पर्पल ना पूरा। बच्चे सो गए हमारे, उठो रशी पहुंच गए। हनी मिया भी गए हैं अपनी सॉन्ग की शूट प्रैक्टिस, मेरे बच्चे सो गए थे तो कहती मेरे को होटल जाना है। अब उठ गई, मैं कहा चली रहो प्रैक्टिस पे, अब नहीं चलना, रात हो गई, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं लोग। लेकिन हम लोग, मैं भी सो गया था, एक गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है, बिजनेस क्लास है भाई पूरी। नींद आ गई थी हमें, इतने कंट्रोल्स हैं इस गाड़ी में, इतने तुम्हारे जहाज में नहीं होते भाई। देखो तूने सीट पे हीटर लगा लिया, अरे हीटर नहीं है वो, तेरी सीट गर्म हो गई है। मेरी भी कर दिया भाई, जिसकी कमर में दर्द होना, ये रोल्स रॉयस खरीद लेना यार, लाइफ सेट हो जाएगी।